वेलकम टू अपसालन क्लासेस। आज 15 अक्टूबर स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन लॉन्च की है। यह पूरी तरह से एक मल्टी पैरामीटर प्रणाली से सुसज्जित है। इसमें निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो इसमें जो है विश्लेषक, सेंसर और जाँच, ये तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने निम्न में से किसके साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा साइंस और क्लाउड कंप्यूटिंग सहित नई पीढ़ी की तकनीकों में शिक्षार्थियों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए भागीदारी की है? तो भागीदारी की है AICTE के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करूर के 3 छात्रों द्वारा विकसित एक प्रायोगिक उपग्रह को निम्न में से किसके द्वारा उपकक्षीय अंतरिक्ष में प्रक्षेपण के लिए चुना गया है? तो चुना गया NASA द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम सियांग जिले में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में गोवा सरकार ने निम्न में से कौन से नए पुलिस जिले बनाने का निर्णय लिया है? तो लिया है मापुसा और पोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज कुमार भारती को किस देश में भारतीय अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में अल्बानिया गणराज्य के लिए भारतीय अगले राजदूत के रूप में किसे अधिकृत किया गया? तो ये किया गया है राहुल श्रीवास्तव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल सरकार की उच्च तकनीकी कक्षा योजना के तहत प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक स्तर तक के कितने स्कूलों को 3.74 लाख डिजिटल गजट से लैस किया गया है? तो ये लैस किया गया है 16,027 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंट ने अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार में तेजी लाने के लिए UK स्थित स्पेस रिसर्च एंड इनोवेशन नेटवर्क फॉर टेक्नोलॉजी के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। स्प्रिंट किस देश में व्यवसाय प्रदान करता है? तो ये करता है ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरद कुमार कर का 2022 में निधन हो गया, और इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो शरद कुमार कर जो है ये राजनीति से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन और CGI इंडिया के बीच SOI के भाग के रूप में CGI ने बंगलौर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई में ATL के साथ कितने स्कूलों को गोद लेने और छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो ये व्यक्ति की है 100 स्कूलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ट्राइफेड द्वारा किस राज्य के MFP फेडरेशन और IIT कानपुर के साथ टेक फॉर ट्राइबल्स पहल ई लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कोरोना वायरस मामलों की पुनर्व्याख्या की पहचान में कट ऑफ अवधि के रूप में कितने दिनों का अनुमान लगा रहा है? बाजार उधार के माध्यम से 68,825 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जुटाने की अनुमति दी है? तो ये दी है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में एक आवासीय मंच पर आयोजित 6ठे भारत नॉर्वे संयुक्त आयोग में किसने भाग लिया? तो ये भाग लिया डॉक्टर ए जयशंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ऑपरेशन ग्रीन्स TOP टूल टोटल के साथ किसान रेलगाड़ियों के माध्यम से अधिसूचित फलों और सब्जियों के परिवहन पर कितने परसेंट की सब्सिडी का विस्तार करने पर सहमत हुआ है? तो हुआ 50% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में किसने नई दिल्ली में अमेरिकी विदेश मंत्री स्टीफन बेजगन के साथ कई मुद्दों पर द्विपक्षीय विचार विमर्श किया? तो किया हर्षवर्धन श्रृंखला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और निम्न में से किस देश के वरिष्ठ कमांडरों की 7वें दौर की बैठक 2020 को चुसूल में आयोजित की गई? तो की गई चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में COVID-19 में मंत्रियों के उच्च स्तरीय समूह GOM की 21वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो की डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में CDSE ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसे स्थापित करने के लिए प्रमुख शैक्षणिक और R&D संस्थानों के साथ कुल कितने MOU पर हस्ताक्षर किए? तो ये हैं 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में पूरे देश में राष्ट्रीय फिलैटली दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 13 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IEDCR बांग्लादेश और इंटरनेशनल सेंटर फॉर डायरियाज डिसीज रिसर्च बांग्लादेश द्वारा की गई खोज के अनुसार COVID-19 मामलों में से कितने परसेंट शहर में इस पर सोन्मुख थे? तो ये थे 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर ओलंपिक निशानेबाजों के लिए राष्ट्रीय शूटिंग
हिस्सेदार होगा। तो ये होगा भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पुलिस ने बंचरा और कंजर समुदाय को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पहल शुरू की है? तो ये पहल शुरू की है मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका नवगठित त्रिची सर्कल जल्द ही देश की राष्ट्रीय विरासत के बारे में युवाओं को जागरूक करने के लिए एक सांस्कृतिक अभियान शुरू करेगा? तो ये करेगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डॉक्टर सी एन अश्वथ नारायण के बृहत बेंगलुरु महानगर पब्लिक को बेंगलुरु के कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डिजिटल और आवासीय मल्टी स्पेशलिटी तकनीक क्लिनिक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है? तो दिया गया 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में कौमदी मुंशी का निधन हो गया और इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो आई थिंक गाना से, यानी कि सॉन्ग सिंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिको किस राज्य में 814 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक ग्रीनफील्ड आलू चिप्स उत्पादन इकाई स्थापित कर रहा है? तो ये स्थापित कर रहा है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह 13 अक्टूबर 2020 की रात को सबसे बड़ा और सबसे चमकीला दिखाई दिया? तो ये है मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2020 में कितने परसेंट तक कम होगी? तो ये होगी 10.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने गूगल पे और वीजा के साथ मिलकर भारत में अपने ACE क्रेडिट कार्ड के लॉन्च की घोषणा की है? तो ये लॉन्च की एक्सिस बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में निम्न में से किसने बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर अपने उत्पाद पोर्टफोलियो में कार और बाइक सीमा बीमा जोड़ा है? तो जोड़ा है कितने बिलियन डॉलर का अनुमोदन किया है? तो ये किया है 12 मिलियन डॉलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में किस बैंक को उसके घटित मानवाधिकारों के रिकॉर्ड पर सक्रिय समूह को विरोध के बावजूद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से चुना गया है? ये चुना गया पाकिस्तान को।